बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट क्लास नाइन्थ मैथ यूनिट नंबर 2 है हमारे पास। टॉपिक है हमारा रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सेकंड पार्ट। जी देखें, अभी हमने जो है कल जो है हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 4 का पार्ट 1, ये सेकंड पार्ट है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू ओवर में होगी उसे हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि उसी वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट, यानी इधर आयोटा के माइनस है तो ऊपर नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और जो नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अगर देखा जाए तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को हमने वैसे ही लिख दिया, नीचे एक हमेशा फार्मूला क्लोज होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू बच्चों मल्टीप्लाई हो रही है। ये मल्टीप्लाई का रूल हम क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर पहली वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड फर्स्ट से, फिर सेकंड सेकंड से, इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब नीचे 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब आयोटा से प्लस माइनस होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लग जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 8 में से 3 निकालेंगे 5, 14 आयोटा वैसे ही आ गया। अब 16 और प्लस 1 17, अब बच्चों 17 दोनों के ऊपर 1/1 डिवाइड हो जाएगा, तो 5/17, 14 आयोटा ओवर 17, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। देखें बच्चों, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इसके अंदर एक ही मेथड को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन, जो वैल्यू इधर ओवर में होगी उससे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, लेकिन साइन ऑपोजिट, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला क्लोज होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। अब ऊपर उसी तरह मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने पहले की, 9 को 3 से 27, 9 को आयोटा से 9 आयोटा, 7 आयोटा को 3 से 21 आयोटा, 7 आयोटा को आयोटा से 7 आयोटा स्क्वायर, 27 वैसे ही 9 आयोटा, 21 आयोटा, माइनस 13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों माइनस 1 लग गया, 7 1 7, 13 आयोटा साइड पे कर दिया, वो इसलिए कि नंबर से प्लस माइनस होगा, 27 में से 7 निकालेंगे 20, 30 आयोटा वैसे ही आ गया। ओवर में 9 और प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10 को दोनों के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 13 आयोटा साथ बच्चों वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बच्चों, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। अच्छा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें शुरू से कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखें, ये दो वैल्यू बटे में आ गई, कोई इशू नहीं, दो वैल्यू जब बटे में आती है दरमियान में माइनस का साइन आता है, तो पहले दोनों को वैसे ही लिख लो जैसे है दोनों बटे में, ऊपर वाली वैल्यू को सेम ऐसे लिख लो जैसे हैं दरमियान में माइनस का साइन, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब नंबर से प्लस माइनस, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 1 आयोटा माइनस 7। अब देखें, ये वही वैल्यू बन गई है जो हमने अभी बच्चों किया है। ठीक है, अब जो बटे में वैल्यू है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला क्लोज होगा, सेम उसी कैटेगरी का बच्चों क्वेश्चन है, सेम उसी तरह मल्टीप्लीकेशन करें, नीचे फार्मूला क्लोज होगा, स्क्वायर ओपन करें। ठीक है, नंबर से प्लस माइनस, आयोटा वाली वैल्यू से प्लस माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग गया, माइनस 1, 7 1 7 आ गया। अब माइनस 6 और माइनस 7, माइनस 13 माइनस 19 आयोटा वैसे ही आ गया, 10 को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें बच्चे, अच्छा ये बड़ा है। देखो, पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, ऊपर वाली का अलग स्क्वायर, नीचे वाली का अलग स्क्वायर, तो
दो वैल्यू का जब स्क्वेयर होता है, तो वो फार्मूला हम सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पहली वैल्यू का स्क्वेयर दूसरी का स्क्वेयर प्लस टू फार्मूले वाला दोनों को इकट्ठा। इसी तरह पहली वैल्यू का स्क्वेयर दूसरी वैल्यू का स्क्वेयर, अगर माइनस का साइन है तो टू के साथ माइनस आना है, बाकी दोनों वैल्यू वैसे ही, वन का स्क्वेयर वन आयोटा स्क्वेयर वैसे ही, नीचे भी बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिख देनी, आयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन, नीचे भी माइनस वन, वन वन से कैंसिल, ये वन वन से कैंसिल, टू आयोटा ओवर टू आयोटा दोनों आपस में कैंसिल। जब ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल होती है तो आंसर वन आता है, साथ माइनस का साइन है तो माइनस, ये जीरो आयोटा उसने खुद ही अपनी तरफ से लिख दिया। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। जी बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, सब ये भी सेम उसी तरह का है, लेकिन पहले हम उस कंडीशन में इसे लिखेंगे। जैसे नीचे वाली वैल्यू देखें, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमें दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। टू को वन से करेंगे टू, टू को आयोटा से करेंगे टू आयोटा, थ्री आयोटा को वन से करेंगे थ्री आयोटा, थ्री आयोटा को आयोटा से करेंगे माइनस थ्री आयोटा स्क्वेयर, आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली वैल्यू से प्लस माइनस, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन लग गया, माइनस माइनस प्लस थ्री वन थ्री, अब टू और प्लस थ्री फाइव। देखिए सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया बच्चों, जो बटे में वैल्यू है उसे ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करें, अगर प्लस का साइन है तो साइन चेंज, माइनस माइनस, ऊपर वाली वैल्यू वन से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ गई, नीचे पहली वैल्यू का स्क्वेयर फिर सेकंड का स्क्वेयर, फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वेयर एज इट आयोटा स्क्वेयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, आप 26 5 के ऊपर भी डिवाइड कर दो आयोटा के ऊपर भी, ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। लो बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारे पास है कंप्लीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ये सारे के सारे आपने क्लास वर्क में लिखने हैं, और यही आपने अगेन होमवर्क में लिखने हैं, और अलग से भी अपनी रफ के ऊपर अलग से अपनी प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन रिमाइंड में हो जाए, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए ये किस तरह करने हैं। जी बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।